आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, the reaction between CH4 and chlorine in the presence of sunlight is an example of. हमें यहाँ पर एक reaction given है, जिसके अंदर CH4 जो कि होता है methane, react कर रहा है chlorine के साथ in the presence of sunlight. तो हमें बताना है ये reaction given options में से किस type की reaction है. अब इस reaction में हम देखेंगे कि CH3Cl form हो जाता है and साथ में HCl. यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन जो है, यहाँ पर टू एटम्स ऑफ क्लोरीन है क्लोरीन गैस के अंदर, तो वन क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है एंड यहाँ पर HCl फॉर्म कर लिया है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि फर्स्ट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम सब्स्टिट्यूट कर देगा एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम को फ्रॉम अ कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल गिवन इक्वेशन, यहाँ पर एक क्लोरीन जो है फ्रॉम Cl2, इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है हाइड्रोजन को फ्रॉम CH4. इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर था CH4, कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए हुए थे विद हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम एंड यहाँ पर था Cl2. अब सनलाइट की प्रेजेंस में नॉन पोलर बॉन्ड ब्रेक होते हैं. यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये भी एक नॉन पोलर बॉन्ड है एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, इसलिए ये भी एक नॉन पोलर बॉन्ड है. तो यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक फिजन होता है एंड यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं रेडिकल. तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा CH3 रेडिकल एंड हाइड्रोजन रेडिकल एंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे Cl रेडिकल. तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर HCl बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं एंड CH3Cl बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. तो हमें प्रोडक्ट में मिल जाता है CH3Cl एंड साथ में मिल जाता है HCl. तो दिस इज द एग्जांपल फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हमें जो गिवन रिएक्शन है इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म वन प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके. यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स है बट प्रोडक्ट एक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन के अंदर एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल अल्कीन और अल्काइन अंडरगोस एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ हेलो एसिड, HBr, हमने हेलो एसिड ले लिया एंड साथ में अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया है दैट इज अल्कीन. हमने सिंपलेस्ट अल्कीन ले लिया है जो कि है इथाइलीन. तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड यहाँ पर एक कार्बन पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एक कार्बन पर ब्रोमिन एंड यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स, दोनों ही कार्बन एटम्स के पास पहले ही थे. तो यहाँ पर एडिशन हो गया, एक मॉलिक्यूल ऐड हो गया है हमारे रिएक्टेंट में. तो दिस इज एडिशन रिएक्शन. हमारे गिवन रिएक्शन में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्टेंट रिएक्शन रिवर्स होता है ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव और टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स.
रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट्स दो या दो से ज्यादा होते हैं, बट गिवन केस में रिएक्टेंट भी दो है एंड प्रोडक्ट भी दो है, इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. द रिएक्शन बिटवीन सी एच फोर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.